एस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ए पी सी आर। आप लोग आसाम गए, मौके पर आपने देखा, समझा, जांचा, वहाँ के कुछ लोग हैं वहाँ ऐसे जिनसे आप कुछ पूछताछ कर सकते हैं? देखिए, हमने जो बात करी है उस सैकड़ों लोगों से बात करने के बाद ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, और हमारे भी क्रेडेंशियल्स हैं। आसाम में हमने एनआरसी की पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2018 में जारी करी थी, 2019 में जारी करी थी, दसियों हज़ार लोगों से बात करके वो रिपोर्ट जारी हुई थी, और ये रिपोर्ट भी सैकड़ों लोगों से बात करने के बाद, ग्राउंड जीरो का दौरा करने के बाद, ऑफिशियल से मिलने के बाद, पॉलिटिशियन से मिलने के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है। ग्राउंड जीरो पर आपको जाने से कोई परेशानी, प्रशासनिक रोक टोक? हमारे जाने से पहले, एक दिन पहले जो डेलीगेशन गए थे उनको रोका था, लेकिन बाद में सीएम के, चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद जाने दिया गया था। चीफ मिनिस्टर अगर आपको जाने देते हैं या आप और भी कोई एसोसिएशन जाती है, इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगना चाहिए, वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए लोगों को जाने दे रहे हैं, सच्चाई सामने लाना चाह रहे हैं। जब चीफ मिनिस्टर तक कहीं जाने और आने की, एक भारतीय नागरिक को भारत के अंदर कहीं जाने और आने की इजाज़त लेने के लिए चीफ मिनिस्टर तक जाना पड़े, तो समझ लिए वहाँ के हालात कैसे हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि जब तक सफाई का कार्यक्रम हो चुका होता है तब वहाँ पर लोगों को जाने दिया जाता है। इमीडिएट ग्राउंड जीरो पर लोगों को जाने से क्यों रोका जा रहा है? इसका मतलब पुलिस ने कोई गलती करी है, पुलिस ने कोई नाइंसाफी करी है, उसको छुपाने, ढकने और बचने के लिए टाइम मांगा जा रहा है, वो टाइम पूरा होने के बाद फिर लोगों को जाने दिया जा रहा है। पहले दिन क्यों नहीं जाने दिया गया, दूसरे दिन क्यों नहीं जाने दिया गया, तीसरे दिन क्यों जाने नहीं दिया गया, चौथे दिन क्यों जाने दिया गया, तीन दिन सवाल पैदा करते हैं। कोई ऐसा आई विटनेस जिससे आप लोगों की मुलाकात हुई हो और सच्चाई से पर्दा उठा? आप रिपोर्ट पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारे आई विटनेसेस का डिटेल मिल जाएगा। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 6 लोग थे, बहुत सारी दूसरी टीम है उनके साथ क्लब करके रिपोर्ट आई है, इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए, हम एक सिविल राइट ग्रुप्स हैं जो रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं, पब्लिक डिबेट ओपन करते हैं, किसी इशू पर पब्लिक मूवमेंट बिल्डअप करते हैं। वी आर नीडर अ पॉलिटिक, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, आर नॉट अ, वी आर वर्किंग ऑन द इन अ गवर्नमेंट। तो कदम कौन उठाएगा, ये सवाल आप पहले सरकार से पूछें कि सरकार, आपने ये रिपोर्ट पूछी या आपने रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लोगों के साथ जुल्म हुआ, लोगों को गोली मार दी गई, लोगों को घरों से निकाल दिया गया और वो खुले आसमान में पड़े, अब ये सरकार से पूछे कि सरकार इनको बचाने का कौन सा कदम उठाया जा रहा है? ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो सवाल आपका है वो थर्ड पार्टी से सवाल है जो इंटरवेंशंस करती है। हमारे इंटरवेंशन ये हुए हैं, नेक्स्ट भी कुछ इंटरवेंशन होगा। हमने चीज़ें लोगों के बीच में लाकर हकीकत रखी है, और सवाल मीडिया के जरिए अब सरकार पे जाएगा कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी। नहीं, आपने ये बड़ा अच्छा काम किया और दूसरी तंजीमों को भी करनी चाहिए, लेकिन क्या आप लोग कोई गवर्नमेंट से भी डायलॉग करेंगे इस मौजू पर कि इस तरह का मामला हो रहा है, कोई इंटरफेयर, सेंट्रल इंटरफेयर क्यों नहीं? सेंट्रल इंटरफेयर आप चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब कोई बात करना नहीं चाह रहे, गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं। बाकी हमने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ रिकमेंडेशंस लिख दिया है, और वो बेसिक रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी आदमी लीगल नहीं है, और अगर किसी एक जगह से आप किसी आदमी को हटाते हैं तो दूसरी जगह आप उसको पर्टिकुलर प्लेस दीजिए, और पहले प्ले जगह बताइए, फिर उसके बाद हटने का बोलिए। आसाम से पहले खोरी गाँव जो दिल्ली की सीमा पर है, वहाँ भी एक इसी तरह का मामला हुआ था, कई लोग अभी भी वहाँ जेलों में बंद हैं। क्या कभी आप लोग वहाँ भी गए थे क्या? जी, हम लोग ने वहाँ भी काम किया है। आप यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के पेज में जाके देख लीजिएगा, आपको पिछले 5 साल में 500 से अधिक फैक्ट फाइंडिंग्स, रिपोर्ट्स, प्रोटेस्ट, सारी चीज़ें नजर आई। सवाल, क्या आप लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें एक लीगल सिस्टम में भी है, एक पब्लिक मूवमेंट में भी है। आज हमने ये सवाल आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाया है, फिर जैसे जो भी ऑप्शंस आगे ओपन होंगे फिर हम उसको ओपन करेंगे। हमारे पास कौन सी पावर है जो हम क्या करेंगे? ना ना ना, वो तो बड़ा काम है। हां, दिल्ली के प्रेस क्लब में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और आपने सुना ये जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, इनकी पूरी टीम 6 लोगों की टीम थी, आसाम गई, और आसाम की उन घटनाओं की बात मैं कर रहा हूँ जिसका वीडियोस वायरल हो रहा था, आप लोग देख रहे थे किस प्रकार से वहाँ जुल्म हुआ है, पुलिस ने क्या दमनकारी नीति अपनाई है, सरकार का क्या रवैया रहा, क्या रोल है, और आगे क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर एक विस्तृत
रिपोर्ट्स इन्होंने आज पेश किया है और ये है लिखा हुआ प्रेस क्लब में, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड रिलीज ऑफ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को आज जो है इन्होंने जारी किया है। और एविक्शन जो स्टेट वायलेंस एंड हैट, ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जो ये है मामला, उसको इन्होंने पब्लिक डोमेन में रखने का काम किया है। और भी कुछ इनके पदाधिकारियों से मैं बात करूंगा, बने रहें आप हमारे।